पंजाब च हड़ा तो बाद हालात आम वांग हुंदे विखाई दे रहे सी, पर इस विचकार हिमाचल च हुई भारी बारिश कारण भाखड़ा डैम दे विच पानी दा पद्धर 1651 नूं पार कर गया। यह पद्धर फ्लड गेट लैवल तो 6 फुट उच्चा है, पर पानी दा पद्धर खतरे दे निशान तो 29 तो 30 फुट हेठ है। इस दे नाल ही भाखड़ा दे हेठा बनी नंगल डैम दे विच वी पानी दा पद्धर 1951 दस्या जांदा है, जो कि खतरे दे पद्धर तो सिर्फ 3 फुट हेठ है। अजिहे च संभावना जताई जा रही है कि हिमाचल च हुई बारिश तो बाद हालात नूं वेखदे हुए भाखड़ा दे फ्लड गेट खोले जा सकते ने। SDM नंगल ने अलर्ट जारी कर दिता है कि जेकर भाखड़ा विचों होर पानी छड्या गया तां सतलुज दे आले दुआले दे इलाका विच हड़ वर्गी स्थिति पैदा हो सकती है। ताजा स्थिति नूं वेखदे हुए भाखड़ा डैम दे फ्लड गेट खोलन दी भी तैयारी चल रही है। इह शक उदों जताया गया जदों उप मंडल मैजिस्ट्रेट नंगल वलों जारी होया पत्र सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल होण लगा। मौसम विभाग दी सलाह अनुसार प्रशासन किसी भी तरह दा खतरा नहीं उठा रहा। भाखड़ा दे लगातार वध रहे पानी दे पद्धर अते सतलुज दरिया विच छड्डे जा रहे पानी दी स्थिति दे मद्देनजर उप मंडल मैजिस्ट्रेट नंगल वलों इह हुक्म जारी किते गए ने, जिस विच उन्हां स्पष्ट लिखा है कि भाखड़ा विच पानी दा पद्धर वधन कारण इन्हां विचों निकलदियां नदियां ते नाले पूरे समर्था नाल वह रही है। पत्र विच ताजा स्थिति अनुसार भाखड़ा डैम दे फ्लड गेट किसी भी वक्त खोले जाण दी संभावना जताई जा रही है। अजिही स्थिति विच मैजिस्ट्रेट ने BDPO दफ्तर अते होर संबंधित विभागां नूं दरिया दे कंढे वसे लोकां अते हड़ प्रभावित इलाकिआं दे लोकां नूं सुरक्षित थावां ते पहुंचाउण दे हुक्म दिते। नाल ही उन्हां कहा कि इस काम दे विच पिंडां दे सरपंचां नाल संपर्क कीता जा सकता है। उत्थे दूजे पासे मौसम विभाग ने अज एक बार फिर तो पूरे सूबे दे विच येलो अलर्ट जारी किया होया ते हिमाचल दे विच वी अज भारी मीह पैण दी संभावना है। कुल्लू मंडी अते हिमाचल दे विच ओरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग दे अलर्ट कारण संबंधित जिलिआं दीआं टीमां रावी, ब्यास, सतलुज अते घग्गर दे आले दुआले दे इलाकिआं दी निगरानी कर रहीआं ने। मौसम विभाग वल्लों जारी अंकड़िआं अनुसार 22 तो 24 जुलाई तक सूबे दे वख-वख इलाकिआं विच भारी मीह पै सकता है। तूफान दी चेतावनी वी जारी कीती गई है, जिस कारण शहरां अते इलाकिआं विच पाणी भर सकता है। दूजे पासे गुरदासपुर नालों कट्टे 7 पिंडां विच बचाव कार्ज जारी है। रावी दे विच पानी दा पद्धर अजे वी आम वांग है, जिस कारण रावी दे आले दुआले मिट्टी दीआं बोरियां भरियां जा रहीआं ने, तां जो किसी भी स्थिति नूं तुरंत काबू विच लिआंदा जा सके। होर तां होर गुरदासपुर तों कट्टे गए गणी केवेट इलाके विच जिला प्रशासन दे नाल नाल फौज नूं वी अलर्ट ते रख्या गया। रावी दे पार तों लोकां नूं बाहर कढ़िया जा रिहा है, जदकि सेहत विभाग दीआं टीमां वी रावी दे पार भेजीआं जा रहीआं ने। इस दे नाल ही घग्गर दरिया दे विच पानी दा पद्धर इक वार फिर तों वधणा शुरू हो गया। हरियाणा दे पंचकूला खेत्र विच घग्गर दे पानी दा पद्धर वध रिहा है, जिस तों बाद मानसा समेत होर इलाकिआं विच घग्गर दे कंढिआं उत्ते अलर्ट जारी कीता गया। बचाव टीमां तों इलावा जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है, तां जो हालात पहलां वर्गे ना बण सकण। D5 चैनल पंजाबी ते होवेगी भख दे मुद्दिआं दी गल। सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना। पंजाब डिबेट निडर हां, निरपक्ष रहा, आजाद हां, सच कहां, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर, दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सफर, विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल, कनेडा दी हर सियासी खबर लैके आवांगे तुहाडे वल, उभरांगे पंजाब दी आवाज बन, होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे, खोलांगे अंदरूनी राज, बणांगे बुलंद आवाज, खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे, हर पिंड हर शहर जावांगे, मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात, संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल, की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार, की करदी है साडी सरकार, की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल, धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात, अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।